हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी जायका व्लॉग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ दो ही चीज़ों से लावा कपकेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इजी है, आसान है और बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पर है हाइडिंग बिस्किट और चाहिए सिर्फ सोडा, बेकिंग सोडा चाहिए हमें। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं मिक्सी के जार में थोड़ी सी बिस्किट डाल ली हूँ तोड़कर, तभी इसको ग्राइंड कर लेंगे। और उसमें मैं ऐड करने के लिए ली हूँ यहाँ पर कैडबरी चॉकलेट, इसको ऑलरेडी मेल्ट करके रख चुकी हूँ। और यहाँ पर वाइट चॉकलेट भी है, तो इसको मेल्ट कर लेंगे, आपको बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पर बॉईल करने के लिए पानी रख चुकी हूँ और इसके ऊपर ये रख देंगे, इसको भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए पतीले को हीट करने रखना है, एक रिंग रखना है, इसके ऊपर एक ढक्कन रखना है, नीचे नमक या पानी कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ पर गैस ऑन कर लेती हूँ मैं स्लोली एकदम। इसके ऊपर प्लेट रखना है, तो यहाँ पर प्लेट रख देती हूँ मैं। उसके बाद में देखिए ये अच्छे से मैं मिक्सी में ग्राइंड कर चुकी हूँ। अभी इसमें पानी सोडा ऐड करना बाकी है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से बारीक हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे सबसे पहले। अब पानी की जगह दूध भी ऐड कर सकते हो। लगभग इसमें 100 ml पानी जाता है। चलिए अभी इसमें सोडा ऐड कर लेते हैं। इतना काफी है। अच्छे से इसको भी फेंट लेंगे। ध्यान में रखें सोडा लास्ट में डालना है। चलिए हमारा अच्छे से बैटर बन चुका है। अभी इसको कप में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीका से मैं कप ली हूँ। आपके पास या कोई कांच के कप रहेंगे तो वो यूज़ कर सकते हो। इतना काफ़ी है, वो फूल जाता है, इसके लिए इसका आधा लेना ज़रूरी है। लेकिन मानिए इतने टेस्टी बनते हैं। अभी बच्चे भी सारे घर पे हैं, स्कूल नहीं कुछ नहीं, तो उनको ये बहुत मज़ा आएगा खाने के लिए। अभी इसके अंदर मैं चॉकलेट ऐड कर लेती हूँ। चलिए इसमें चॉकलेट ऐड कर लेती हूँ। सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है वाइट चॉकलेट, उसके बाद कैडबरी चॉकलेट। जितना डालेंगे उतना टेस्टी होएगा, इसलिए मैं चॉकलेट ज़्यादा ऐड करती हूँ। और उसके ऊपर से थोड़ा सा ये कपकेक बैटर डालना है, अच्छे से इसको ढक लेना है। ये भी उसी तरीका से कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले वाइट चॉकलेट। इतना डिलीशियस टेस्टी बनता है ये। तो चलिए अभी जो पतीला हीट हो चुका है हमारा, उसमें ये रख लेते हैं।
तो ये हमारा पतीला काफ़ी यहाँ पर हीट हो चुका है। चलिए एक एक करके इसमें ऐड कर लेते हैं। लगभग 10 से 12 मिनट इसको रखना है स्लोली आंच पर। तो हमारे यहाँ हो गए, सेट हो गए तो सारे, तो इसको ढक लेते हैं, देखेंगे 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर कम्प्लीटली 10 मिनट हो चुके हैं, देखेंगे। वाह, देखिए कितना अच्छा बन चुका है और हमारा क्रीम भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर गैस बंद कर चुकी हूँ मैं, इसको ठंडा होने देते हैं, फिर बाद में आपको बताऊँगी मैं। देखिए कितना डिलीशियस बना है और यहाँ पर देखिए। इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घर पे ट्राई करके देखो, इतना डिलीशियस बनता है, जरूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना ना भूले। तो देखते रहिए देसी ज़ाइका व्लॉग। शुक्रिया।